फरुखाबाद में शुक्रवार को जिले में पहुंचे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मीडिया से वार्ता करते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने जिले की स्वास्थ्य सेवाओं से संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार बनी तो जिले में लोहिया के नाम से एक मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नेता विरोधी दल अखिलेश यादव शुक्रवार को कायमगंज में पार्टी नेता नवल किशोर शाक्य के भाई डॉक्टर हरवेश कुमार शाक्य की श्रद्धांजलि सभा में शरीक हुए, जहां उन्होंने डॉक्टर हरवेश शाक्य को श्रद्धांजलि दी। जहां उन्होंने कहा कि आज महंगाई व बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। इसी जिले में करीब 1,26,000 नौजवानों ने फॉर्म भरे, लेकिन अग्निवीर कितने बने नहीं बताया गया। इस सरकार में न्याय नहीं मिल सकता। जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख व MLC का चुनाव देखा, इसमें उन्होंने जमकर बेईमानी की है। नेताजी ने बनवाया इंजीनियरिंग कॉलेज, नेताजी ने वहाँ बनवाया मेडिकल यूनिवर्सिटी, नेताजी ने वहाँ दी सड़कें, फोर लेन बनी, एक्सप्रेसवे से जोड़ा, बिजली के फीडर सेपरेशन के लिए बड़े बड़े सबस्टेशन बने, पार्क बना, नहरें साफ हुई, नदियों को बेहतर किया गया, पुल बनाए गए, बिजली पर्याप्त इंतजाम हो गया, सोलर को बढ़ावा दिया गया, सोलर प्लांट का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जो मॉडल विकास का है वो मैनपुरी मॉडल रहा, ये आप कंफ्यूज मत हैं। गुजरात का मॉडल कुछ था ही नहीं। तो मैं बड़ा प्रेम है यार सर, आपका ईवीएम को प्रेम ऐसा है, ये खुद डिप्टी सीएम बाद में बनेंगे। सर आपका ईवीएम मशीन को लेकर क्या कहना है? नहीं देखिए, मैं मैनपुरी में जीता हूँ और 3 लाख वोट से जीता हूँ, उसके बाद भी मैं कहता हूँ ईवीएम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जर्मनी देख लें, US देख लें और मुल्क देख लें, वो सब बैलेट पेपर में है। अरे ईवीएम से आगे जा रहा है, आप कहीं बैठकर के वोट डालने की व्यवस्था होने जा रही है। कि आप अगर यूपी के हैं और कायमगंज के हैं, और अगर आप बम्बई में हैं, आप अगर दिल्ली में हैं, तो वहाँ बैठ करके आप कायमगंज की वोट डाल सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब दुनिया इन चीजों को नहीं अपना रही है तो आप क्यों अपना रहे हैं? देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।